डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा कापोदी तमाको चुनौती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ईएलएनटी वेदनी पाठ्यक्रम में ज्यूरिसप्रूडेंस सेटिंग के अंतर्गत स्वामित्व तथा ऑनर से स्वामित्व का अधिकार तथा अधिकार का स्वामित्व में विभेद क्या होता है, स्वामित्व के नैतिक तत्व क्या होते हैं और स्वामित्व की क्या परिभाषा है, दोनों ही क्लासेस के लिए कहीं विषय होगा। एक तो बी एल एल टी सिक्स सेमेस्टर और एल एल टी सेकेंड सेमेस्टर में कब्जे की भांति स्वामित्व भी एक जटिल न्यायिक संकल्पना है। यह एक सांपत्तिक अधिकार है। विभिन्न विधिक अधिकारों में स्वामित्व का अधिकार विशेष महत्व रखता है। प्राचीन विधि व्यवस्थाओं में स्वामित्व और कब्जे का अर्थ तथा उन्हें भेद के विषय में विधिवेताओं के विचार स्पष्ट नहीं थे। फिर भी रोमन विधि के अंतर्गत इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न माना गया था। रोमन विधि में स्वामित्व के लिए डोमिनियल तथा कब्जे के लिए पोजेसिया शब्दों का प्रयोग किया गया था। रोमन विधि के अंतर्गत स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण अधिकार का होता है, जबकि कब्जा उस वस्तु पर केवल भौतिक नियंत्रण को ही प्रदर्शित करता है। रोमवासियों ने कब्जे की तुलना में स्वामित्व को अधिक महत्व दिया, क्योंकि उनके विचार से किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण होना विधिक दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि उस पर पूर्ण अधिकार होना। प्राचीन तथा ग्रीष्मकालीन इस विधि में भूमि तथा चल संपत्ति के कब्जे को ही महत्व दिया गया था। तत्कालीन विधि में स्वामित्व की धारणा कब्जे में ही सन्निहित होने के कारण भूमि में दखल और बेदखली के तत्व को प्रधानता दी गई थी। कालांतर में स्वामित्व के अंतर्गत पूर्ण अधिकार की धारणा भूमि से संबंधित दखल और बेदखली की संकल्पनाओं से ही विकसित हुई। तात्पर्य यह है कि इस विधि के अंतर्गत किसी वस्तु पर उसी व्यक्ति का स्वामित्व माना जाता है या माना जाता था जो उस वस्तु पर अपना कब्जा अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक सुदृढ़ सिद्ध कर सकता था। मेडलैंड के मतानुसार इंग्लिश विधि में स्वामित्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संभवतः सन 1580 ईस्वी में किया गया था। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि रोमन विधि स्वामित्व के पूर्ण अधिकार की कब्जे पर आधारित नहीं मानती, जबकि इंग्लिश विधि ने कब्जे को ही स्वामित्व का ठोस एवं प्रबल प्रमाण माना गया है। अतः जब तक कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर कब्जाधारी के स्वामित्व की तुलना में अधिक सुदृढ़ अधिकार सिद्ध नहीं कर देता, तब तक उस वस्तु पर कब्जाधारी का ही स्वामित्व माना जाएगा। उसके बाद फिर आता है स्वामित्व का अधिकार तथा अधिकार का स्वामित्व में विभेद। स्वामित्व के अधिकार से आशय किसी भौतिक वस्तु के अनन्य उपयोग के अधिकार से है, जिसने स्वायत्तता शक्तियों तथा उन्मुक्तियों आदि अनेक अधिकार समूहों का समावेश है। पोलक के अनुसार किसी भौतिक वस्तु पर स्वामित्व से आशय है व्यक्ति को उस वस्तु के उपयोग उपभोग तथा वैलिन की अनन्य शक्ति प्राप्त है। इसके ठीक विपरीत किसी अधिकार पर व्यक्ति का स्वामित्व होना यह दर्शाता है कि वह उस अधिकार का न तो केवल धारण करता है और न अभिशाप हरी अभी तो उस अधिकार का कौन स्वामी है
अधिकार के स्वामित्व को अमूर्त स्वामित्व भी कहा जाता है, जबकि स्वामित्व के अधिकार को मूर्त स्वामित्व कहा जाता है। इंग्लिश विधि के अंतर्गत स्वामित्व के अधिकार को प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसमें स्वामित्व का उत्तराधिकारियों को अंतरण न्यायगत रूप से होता है, परंतु यह शाश्वत नहीं किया जा सकेगा। फिर आता है स्वामित्व के विधिकरण। स्वामित्व में किसी वस्तु के प्रति उन्मुक्ति शक्ति उपयोग या व्यय की स्वतंत्रता आदि जैसे अनेक दावों का समावेश रहता है। अतः यदि यह कहा जाए कि स्वामित्व में स्वामित्वाधीन वस्तु के उपयोग व्यय तथा नष्टीकरण का अधिकार निहित होता है, तो स्वामी इनका विधिपूर्ण ढंग से चाहे जैसा प्रयोग कर सकता है, परंतु उसके द्वारा किया जाने वाला उपयोग व्ययन या विनष्टीकरण देश विधि के अनुसरण में होना चाहिए, न कि विधि के विरुद्ध। फिर आता है स्वामित्व की परिभाषा। ब्लेक ने विधि सन 6वां संस्करण के अनुसार स्वामित्व की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, संपत्ति के उपयोग अनुभोग के लिए अधिकारों के संग्रह को स्वामित्व कहते हैं, जिसमें संपत्ति का अंतरण किसी अन्य को करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अतः किसी संपत्ति के प्रति स्वत्ता को विधित मान्यता देना स्वामित्व कहलाता है। विधि शास्त्रियों ने स्वामित्व की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की है, तथापि प्राय सभी विधिवेत्ता यह स्वीकार करते हैं कि समस्त वैदिक अधिकारों में स्वामित्व का अधिकार सर्वाधिक पूर्णतम तथा प्रबल अधिकार होता है। हिबर्ट के अनुसार स्वामित्व के अंतर्गत चार प्रकार के अधिकार सन्निहित हैं। ये अधिकार है, नंबर 1 किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार, दूसरा दूसरों को उस वस्तु से उपवर्जित करने का अधिकार, और तीसरा उस वस्तु के व्ययन का अधिकार, और नंबर 4 उस वस्तु को नष्ट करने का अधिकार। उसके बाद एक मार्ग के अनुसार किसी वस्तु पर स्वामित्व होना यह दर्शाता है कि उस वस्तु से संबंधित समस्त अधिकार उस व्यक्ति में निहित है। अतः स्पष्ट है कि स्वामित्व किसी व्यक्ति और किसी वस्तु के बीच ऐसे संबंधों का प्रतीक है जो उस वस्तु के या उस वस्तु से संबंधित समस्त अधिकार उस व्यक्ति में निहित करता है, परंतु मार्ग भी स्वामित्व को अधिकारों का संकलित योग मात्र न मानते हुए सतत व्यापक अधिकार के रूप में मान्य करते हैं। स्वामित्व किसी मूर्त या भौतिक वस्तु पर हो सकता है तथा साख पैटर्न या बाकी राइट जैसे अमूर्त अधिकार पर भी हो सकता है। अमूर्त वस्तुओं में सभी प्रकार के हक या दावों का समावेश है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपके सामने मौनसी क्या होती है, मौनसी की क्या परिभाषा होती है, स्वामित्व के क्या विधि तत्व होते हैं, और स्वामित्व का अधिकार तथा अधिकार का स्वामित्व विभेद कैसे होता है आदि पर अपनी वीडियो बनाई। वीडियो देखने पर आप लोगों को ये मालूम होगा कि स्वामित्व वाकई में ही एक विधि या विधि तत्व के रूप में मान्य होता है, और यह किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार, दूसरों को उस वस्तु से अपवर्जित करने का अधिकार, उस वस्तु के व्यसन का अधिकार, उस वस्तु को नष्ट करने का अधिकार आदि पर निर्भर करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।